हेलो फ्रेंड्स, आज हम आलू के इस्तेमाल से बिजली पैदा हो सकती है क्या, ये देखेंगे। इंटरनेट पर आपने कुछ वीडियोस ऐसे देखे होंगे जिसमें आलू के अंदर जो हमारा जो चार्जर होता है वो चार्जर सीधा इंसर्ट करके उसके ऊपर मोबाइल को चार्ज करते हुए दिखाया गया है। तो हम ये देखेंगे कि क्या ये संभव है। तो मैं आपको सीधे बता दूं कि ये संभव नहीं है। ये संभव क्यों नहीं है ये आज हम सीखेंगे। इससे पिछला वीडियो आपने अगर देखा होगा तो उसमें हमने इस किट का इस्तेमाल किया था। ये है लेमन और साल्ट वाटर बैटरी किट। तो इस किट में हमें कॉपर और जिंक की प्लेट्स और वायर्स मिलती हैं जो हमने इस तरह से जोड़ी थी, और ऐसे प्लास्टिक के छोटे छोटे 5 कंटेनर्स में हमने नमक का पानी डाला और फिर उसके अंदर कॉपर और जिंक के इलेक्ट्रोड्स हमने रखे और फिर उससे हमने टेस्ट किया कि हम एक एलईडी को जला सकते हैं, और साथ ही हमने इससे मिलने वाला वोल्टेज और जो करंट है वो भी हमने मेजर किया था। तो पिछले एक्सपेरिमेंट में हमको लगभग 4 वोल्ट के करीब करंट मिला था, और उसका जो बहाव था करंट का वो था लगभग 0.1 मिली एम्पियर से 0.2 मिली एम्पियर तक। तो ये जो करंट है इसके ऊपर आप ज़्यादा से ज़्यादा एकाध एलईडी को आप जला सकते हो, उसे ज़्यादा और कुछ नहीं। मोबाइल के चार्जिंग के लिए जो हम चार्जर्स इस्तेमाल करते हैं, तो जो छोटे मोबाइल फ़ोन्स या पुराने मोबाइल फ़ोन्स होते हैं उसमें हम इस तरह का चार्जर इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें जो है हमको 5 वोल्ट और 0.5 एम्पियर्स की इसकी कैपेसिटी होती है। तो 0.5 एम्पियर्स का मतलब 500 मिली एम्पियर्स, और हमारे एक्सपेरिमेंट में हमको जो बिजली मिली वो थी लगभग 0.1 मिली एम्पियर। यानी कि छोटे से छोटा मोबाइल फ़ोन चार्ज करने के लिए हमें जितनी बिजली की ज़रूरत होती है उससे 5000 गुना कम बिजली हमें इस एक्सपेरिमेंट से मिलती है। तो इसका मतलब इतने कम करंट में हम उसको चार्ज नहीं कर सकते, लेकिन बिजली अवश्य प्रवाहित होती है और उस बिजली को डिटेक्ट किया जा सकता है। जैसे हम टेस्टर का इस्तेमाल करके करंट को डिटेक्ट करते हैं, यानी कि हमको ये पता चलता है कि इसके अंदर करंट है, उसी प्रकार से इस एक्सपेरिमेंट में अगर हम एलईडी को कनेक्ट करेंगे तो एलईडी से पता चलता है कि इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन वो करंट इतना कम है कि हम उस करंट से मोबाइल फ़ोन जैसी चीज़ें चार्ज नहीं कर सकते। तो ये तो हुआ पुराने मोबाइल फ़ोन का चार्जर, और उसके बाद में जो दूसरे मोबाइल फ़ोन्स होते हैं उनकी कैपेसिटी के हिसाब से यह 5 वोल्ट 1 एम्पियर का चार्जर, यानी कि इसके लिए 1000 मिली एम्पियर्स की ज़रूरत होती है। और जो नए मोबाइल फ़ोन्स हैं उसमें लगभग हम 2 एम्पियर के चार्जर का इस्तेमाल करते हैं। 2 एम्पियर यानी 2000 मिली एम्पियर्स, यानी कि एक लेटेस्ट मोबाइल फ़ोन आपको चार्ज करना हो तो उसके लिए आपको 2000 मिली एम्पियर्स और 5 वोल्ट की बिजली की ज़रूरत होती है, जबकि हमारे एक्सपेरिमेंट में हमको मिलती है सिर्फ 0.1 या 0.2 मिली एम्पियर। यानी कि मोबाइल फ़ोन चार्जिंग के लिए हमको जितनी बिजली चाहिए उसे 10000 या 20000 गुना कम बिजली इस एक्सपेरिमेंट में हमें मिलती है। अब हम देखेंगे कि आलू से हम बिजली कैसे पैदा कर सकते हैं। तो असल में बिजली जो है वो ना आलू में होती है और ना केले में होती है और ना संतरे में होती है और ना नींबू में होती है और ना ही वो नमक के पानी में होती है। नमक के पानी में हमने जो मेटल के इलेक्ट्रोड्स इस्तेमाल किए थे कॉपर और जिंक का, तो ये इलेक्ट्रोड्स जो हैं, जिंक जो है वो निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरह काम करता है और कॉपर जो है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरह काम करता है। जब हम इसे नमक के पानी में रखते हैं तो नमक का पानी एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है। तो इसके भीतर उस मेटल के ऊपर केमिकल रिएक्शन होता है और उस केमिकल रिएक्शन से
जिंक के ऊपर निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, निगेटिव चार्ज डेवलप होता है, यानी उसके भीतर इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं, और जो कॉपर है वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। और चूंकि नमक का पानी जो है वो एक कंडक्टर की तरह काम करता है, ये जो चार्ज है वो निगेटिव से पॉजिटिव की तरह फ्लो करता है। तो अगर हम इसका सर्किट कंप्लीट करते हैं तो हमको इस सर्किट में बिजली का प्रवाह आता हुआ हमें दिखाई देता है। तो नमक का पानी जो है वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है। तो इस एक्सपेरिमेंट में जो आलू है वो आलू भी एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है। हालांकि मुझे ये पता नहीं है कि आलू के भीतर कौन सा तत्व है जो इस प्रोसेस को फैसिलिटेट करता है, क्योंकि नमक के पानी में तो हम जानते हैं कि नमक का पानी है जो इस तरह का केमिकल रिएक्शन करता है, लेकिन आलू के भीतर जो उसकी जो नेचुरल वाटर है और उसके साथ में आलू में जो भी दूसरी चीज़ें होती हैं वो जो हैं वो हमारे कॉपर और जिंक के प्लेट से केमिकली रिएक्ट करती हैं, और साथ ही वो कंडक्टर का भी काम करती हैं, यानी वो केमिकल प्रोसेस भी उसके अंदर होता है और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट भी होती है। इसकी वजह से अगर हम आलू के अंदर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव इलेक्ट्रोड रखें तो उससे हमको बिजली प्रवाहित होती हुई दिखाई देगी। तो ये एक्सपेरिमेंट आज हम करके देखेंगे और हम ये भी गिनेंगे कि ये बिजली कितने वोल्ट और कितने एम्पियर की हमको मिलती है। हालांकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इस एक्सपेरिमेंट में जो है बिजली का जो सोर्स है वो है हमारी मेटल की प्लेटें, यानी कॉपर और ये जो जिंक है इस एक्सपेरिमेंट में हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो आलू है वो सिर्फ एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है। तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन सिर्फ एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह है, यानी इसका मतलब हम आलू से बिजली नहीं पैदा कर रहे हैं बल्कि आलू को इलेक्ट्रोलाइट की तरह इस्तेमाल करके हम बिजली पैदा कर रहे हैं।